प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों के रूस दौरे पर हैं। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर वहां गए हैं। मोदी की इस यात्रा पर देश और दुनिया की निगाहें, क्योंकि भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के भरोसेमंद साथी रहे हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना है। रूस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने दौरे को लेकर एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, भारत और रूस के बीच बेहद खास और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी बीते 10 वर्षों में काफी घनिष्ठ हुई है। एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के क्षेत्र में हम बीते 10 वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और अलग अलग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का मौका भी मिलेगा। उधर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने भी पीएम मोदी की यात्रा को लेकर जानकारी दी है। सन 2000 से भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में, जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिसपे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीजों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीजों पे भी डिस्कशंस होगी। मैं पूरी तरह तो नहीं अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। बता दें कि पिछले 5 सालों में पहली बार पीएम मोदी रूस की यात्रा पर है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस के ऊपर यूरोप समेत अमेरिका के कई कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस प्रतिबंध का कारण यूक्रेन पर हमला करना बताया गया है। इन 5 सालों में पीएम मोदी ने वर्ष 2022 में पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन ये बैठक मॉस्को में नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ सम्मेलन में हुई थी। उस बैठक में भी मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। अब दोनों नेताओं के बीच हो रहा ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।